ये गाड़ी रुक कैसे गई? यहाँ तो कोई मैकेनिक नजर नहीं आ रहा है। माँ, मुझे सामने एक हवेली दिख रही है, शायद हमें वहाँ कुछ मदद मिल जाए। बंटी की गाड़ी हवेली के गेट में घुसते ही अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। बंटी, ये हवेली तो बहुत डरावनी है, मुझे डर लग रहा है, तुम जल्दी से पूछ कर आओ। बंटी कबूतर जैसे ही दरवाजे के पास गया, वो दरवाजा अपने आप खुल गया, उसमें से चिड़ा बाहर आया। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप बता सकते हैं मैकेनिक कहाँ पर मिलेगा? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर, पर अब रात बहुत हो गई है, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही मैं मैकेनिक को बुलवा दूंगा। अब बंटी कबूतर टुन्नू चिड़ा की बात मान लेता है और अपने परिवार के साथ हवेली में रुकने के लिए आ जाता है। बंटी, हवेली बहुत ही डरावनी लग रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी मानो वापस कार में चलते हैं। बंटी टुनटुनी की एक नहीं सुनता और उसे चुप करा देता है। आप यहाँ हॉल में आराम कीजिए, खाना लग चुका है, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। बंटी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी खाना खाने लगा, लेकिन टुनटुनी को हर जगह डरावने साए दिख रहे थे। तभी टुन्नू चिड़ा छुप कर उन्हें देखने लगा। मेहमानों को नहीं बलि के बकरों को अच्छे से खिलाया पिलाया तो जाता ही है ना। खाना खाने के बाद वो सब सो गए। उनके सो जाने के बाद एक भूतिया चिड़िया का साया टुनटुनी के पास आया और उसे मार कर उसमें घुस गया। टुनटुनी कमरे में गई और वहाँ एक झूले में बैठ कर झूलने लगी। टुनटुनी के हंसने की आवाज़ सुनकर बंटी उठ गया। अरे, ये अचानक टुनटुनी कहाँ गई और ये हंसने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वो कमरे में जाने के लिए उड़ने लगा, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। ये क्या हो रहा है? बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके माँ पापा वहाँ नहीं थे। माँ पापा कहाँ गए सब? वही हवेली की छत पर भूतिया टुन्नू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के भूत के साथ बातें कर रही थी। आज भी वैसा ही दिखता है जैसे ये जंगल 100 साल पहले था। ये हमारी जागीर है, भला इसे कौन बदल सकता है? वो देखो पक्षियों के घोंसले, वो पक्षी तो और दूर चले गए। हमारा खास इन जंगल वालों के दिलों में है, लेकिन ये टुनटुनी का परिवार बिना हमारी इजाजत के हमारे घर में घुस गया, इसकी सजा तो इन्हें मिलेगी ही। अब एक पक्षी बचा है, उसे भी खत्म कर दूंगी। बंटी अब भी उड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ टुनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के रूप में आ गई। टुनटुनी, माँ पापा कहाँ हैं? वो तो चली गई जहाँ उन्हें जाना चाहिए था। ये क्या बोल रही हो टुनटुनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो भी उन्हीं के पास जाएगा। टुनी चिड़िया की आत्मा ने बंटी कबूतर को हवा में उठा दिया और फिर उसे दीवार पर पटक दिया। टुनटुनी, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया की आत्मा बंटी कबूतर को मार देती है और कमरे में जाकर अपने झूले पर झूलने लगती है। टुन्नू, देखो ना, ये झूला मेरा है, लेकिन कोई भी इस पर मुझे झूलने नहीं देता है। सब मेरी मर्जी के बिना इस घर में आने की कोशिश करते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। टुनी, तू परेशान मत हो, ये झूला तेरे लिए बनवाया था मैंने, तू इस पर रोज रात में झूलना, तुझे कोई मना नहीं करेगा। हाँ टुन्नू, अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो उसका हाल टुनटुनी के परिवार जैसा होगा, सबको खत्म कर दूंगी मैं। ये कहकर टुनी चिड़िया की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और वहाँ बेचारी टुनटुनी का परिवार अपनी जान खो बैठा था। और टुनी चिड़िया की आत्मा रोज रात में हवेली में झूला झूलती थी और दिन में वो हवेली खंडर हो जाती है।